हिमाचल के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने को लेकर हाटी समुदाय संघर्षरत है। वहीं हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में भी गिरिपार को ट्राइबल का दर्जा देने का मुद्दा गूंजा। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने ये मामला उठाया और मांग की है कि सरकार केंद्र से ये मामला उठाए। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने की मांग का मामला उठाया और कहा कि सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला लंबे समय से चर्चा में है। प्रदेश सरकार ने कई बार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है और ये क्षेत्र सभी मापदंडों पर खरा उतरता है और सभी रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी गई हैं। उत्तराखंड का हिस्सा जो पहले सिरमौर रियासत का हिस्सा रहा था उसे काफी पहले ही ट्राइबल घोषित किया जा चुका है। सिरमौर के लोग भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने ट्राइबल घोषित करने की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज सदन में ये मामला उठाया है और मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि वे अपने स्तर पर प्रधानमंत्री से बात कर इस क्षेत्र को जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाए। हर्षवर्धन ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और क्षेत्र का विकास हो। सरकार जो ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजाति घोषित करने की जो प्रश्न है विधानसभा में लगाया है और हमने मांग की है कि 144 पंचायतें जो जिला सिरमौर की है और 4 विधानसभा क्षेत्रों की है उसका मसला बहुत लंबे अरसे से केंद्र सरकार के पास लटका हुआ है। प्रदेश सरकार ने भी उसको कई बार रिकमेंड किया है, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भी और प्रेजेंट भाजपा गवर्नमेंट ने भी किया है और उसमें सारा जो पैमाना है वो सारे पे फिट बैठता है। उसमें जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जो नोडल एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है और भी एथनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो RGI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई इसको जो है जल्द से जल्द ट्राइबल घोषित किया जाए, क्योंकि हमारा जो जौनसार बाबर का क्षेत्र है जो उत्तराखंड का हिस्सा है वो एक समय सिरमौर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उनको ये ट्राइबल दर्जा 1967 में मिला है, हमें नहीं मिला है। तो हमारे लोग जो है बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी 2014 में उन्होंने घोषणा की थी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने हरिपुर धार में भी इस एरिया को ट्राइबल करने की घोषणा की थी और हमने अब निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि अपने लेवल पे प्रधानमंत्री से बात करके इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी घोषणा की जाए। और मैंने साथ में कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, सभी राजनीतिक दलों के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं ताकि नौजवानों को नौकरियों में भविष्य उज्जवल हो और विकास की राह में ज़्यादा पैसा मिले। इसलिए इसको ट्राइबल डिक्लेयर, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के लिए केंद्र में इस वक्त स्पष्ट बहुमत की सरकार है, उनके पास बहुमत है। तो हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री इसको केंद्र से जो है सीरियसली इसको लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।